अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो वहाब रियाज और कामरान अकमल मिलकर पाकिस्तान की T20 टीम चुनने जा रहे हैं जनाब, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए तगड़ी टीम का अब इंतखाब होने जा रहा है। तो ये बंदे क्या करने जा रहे हैं, आज यही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कामी भाई आ गया तो फिर उमर अकमल का नंबर तो ऑटोमेटिक लगना चाहिए। हालांकि शहजाद भी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, शर्जील भी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो बंदे पहली फरिश्त में अवेलेबल है उनको कैसे इग्नोर करेंगे, उनको कैसे रिफ्यूज करेंगे। बहरहाल जनाब, वहाब रियाज और कामरान अकमल जनाब पहुंचे हैं कराची। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास से मुलाकात, किसके नाम, अहमद शहजाद से भी मुलाकात हुई है जो आज मैच हुआ है। शहजाद को भी उनका गोल बताया गया, क्लियर किया गया, लेकिन मोहम्मद अब्बास के साथ बड़ी लंबी जनाब वहाब रियाज की बातचीत जारी रही। खैर, अब्बास का बनता था इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया जाना बनता था, जहां पे आपने मीर हमजा को ट्राई कर लिया, मौका दे दिया ना, आप खेलेगा तो किस्मत से, खिलाना तो चाहिए वैसे अगर आपने उसको शामिल किया है तो। इसके अलावा खुर्रम शहजाद आ गया, फहीम अशरफ का आपने दोबारा कम बैक करवा दिया, तो यहां पर अब इस बंदे की जगह भी बनती थी, ये भी डिजर्व करता था नसीम शाह की गैर मौजूदगी में, जो कम अज कम एक तगड़ा लंबे स्पेल वाला गेंदबाज है और दोनों तरफ से गेंद को स्विंग करता है, आउट स्विंग करता है, इन स्विंग करता है और ठीक ठाक गेंदबाज है अब्बास, आप डिजर्व करता था। लेकिन जनाब, जहां पर बात करने वाले हैं पाकिस्तान की T20 स्क्वाड को लेकर, कामरान अकमल जो कि T20 के बड़े स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रह चुके हैं पाकिस्तान, हालांकि कीपर अच्छे फिर भी नहीं कंसिडर किए जाते, लेकिन बंदे का T20 का कैरियर बड़ा शानदार रहा है। वो मैच सबको याद होगा जब कामरान अकमल और उमर अकमल ने गेंस ऑस्ट्रेलिया, वो शानदार जब कहा गया था छोटे मियां और बड़े मियां सुभान अल्लाह, वो वाकई इनकी बड़ी यादगार ही नहीं गए और यानी कि याद रखी भी जाएगी। इसके अलावा वहाब रियाज और कामरान अकमल मिलकर पाकिस्तान की T20 टीम जनाब चुनने जा रहे हैं इंतखाब की जगह अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो सारे जो प्लेयर हैं भाई अब इनकी तवज्जो का मरकज है, चाहे साहबजादा फरहान हो, शर्जील हो, अहमद शहजाद हो, उमर अकमल हो, या इवन साइम अयूब हो, मोहम्मद हारिस हो, सारे तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, इफ्तिखार चाचा हैं, शुएब मलिक है, इसके अलावा जमान खान है, हुनैन शाह है, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। उस्मान कादरी वन भाई कल बंदे ने फाइवर लिया था, तो उस्मान कादरी भी इस लिस्ट के अंदर है, अबरार अहमद है, तो बड़ा तगड़ा टफ कंपटीशन है। और यहां पर वहाब रियाज को बड़ा डिसीजन लेना है और ऊपर से फिर मोहम्मद हफीज साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी चेकआउट करेंगे टीम को। बड़ा जनाब कंपटीशन तगड़ा है, पोजीशन कंपटीशन भी तगड़ा है, पोजीशन भी तगड़ी है प्लेयर्स की कि वो अपनी जगह बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन रेस बहुत बहुत सख्त रेस है, लंबी रेस है, तगड़ी रेस है, तो कौन जनाब इस पे यानी कि अपना जो हदफ है वो अबूर करने में कामयाब हो जाता है, होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओपनिंग की स्पेशलिस्ट है, ओपनर जो है, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है और खिलाने सिर्फ दो ही होते हैं, दो ओपनर ही आप मैदान में उतार सकते हैं और 10 से 12 आपके पास ओपनर बन रहे हैं, तो ये जनाब टफ होगा वहाब और कामरान अकमल के लिए। लेट्स सी किस तरह की टीम चुनते हैं, ये वक्त जरूर बताएगा। अपडेट से चले गए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।